So welcome back to the part two of session one of week four. So जो basic setup था वो तो हो चुका है वहां पर backend में हमने कुछ data भी डाल दिया है यहाँ पर हमारे पास जो अच्छा तो यहाँ पर हमारे पास हमने कुछ museums का data भी डाल दिया है और साथ में exhibitions का data भी डाल दिया है now the next step is कि हम क्या करें हम ये data access करें सही है अच्छा इस data को access करने के लिए हम क्या करेंगे हम एक प्लगइन यूज करेंगे सही है अब प्लगइन्स हमारे पास क्या होते हैं उसमें फ्लटर में हमने जस्ट pub.dev पे जाना है pub.dev पे यहां पर आप सर्च करें अब हमने यहां पे फायर स्टोर को यूज करना है ना तो यहां पे आप फायर स्टोर सर्च करें फायर स्टोर तो आपको आ जाएगा क्लाउड फायर स्टोर सही है तो अब ये फायरस्टोर का प्लगइन हमने यूज करना है प्लगइन को हमने इंस्टॉल करना है प्लगइन हमारे पास एक्चुअली क्या होता है जैसे हमारे पास मुख्तलिफ लैंग्वेज में हम लाइब्रेरी सेट करते हैं तकरीबन तकरीबन प्लगइन का मतलब भी आप यही समझ लें हमारे पास एक्चुअली इनिशियली फ्लटर ने ये किया है कि आप जितने भी वो सर्विसेज हैं वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर नहीं होते आप उसको उस मतलब जितने भी सर्विस को उन्हें पार्ट्स में डिवाइड करके छोटे छोटे फॉर्म्स में हमारे पास जो प्लगइन जिसको हम बोलते हैं छोटे छोटे प्लगइन में डिवाइड करके तो जो प्लगइन आपको जरूरत होती है वो प्लगइन आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम अपने प्रोजेक्ट के अंदर एड कर देते हैं सो दिस इज हाउ इट वर्क्स इससे ये होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो बर्डन भी नहीं होता उस पर एंड आपका काम सिंपली हो जाता है नाउ हमने प्लगइन इंस्टॉल करना है ये वाला क्लाउड फायर स्टोर का सही है तो हम राइट नाउ क्लाउड फायरस्टोर का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे बट ये कह रहे हैं कि यार टू लर्न मोर अबाउट फायरस्टोर क्लाउड फायरस्टोर थिंग्स जस्ट गो टू विजिट दिस वन फायरबेस वेबसाइट सही है अब फायरबेस का जो नया वर्जन आया है उन्होंने कुछ चेंजेस किए हुए हैं तो उसके लिए क्या करना होता है हम डायरेक्टली जो फायरस्टोर का प्लगइन है वो डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं उसके लिए हमें जाना होगा सॉरी ये कहां पर आ गए हैं firebase.flutter.dev पे सही है और firebase.flutter.dev पे अगर आप लोग देख लें सबसे पहले आपने कौन सा प्लगइन ऐड करना होगा जो कोर का प्लगइन है फायरबेस कोर सही है तो जितने भी फायरबेस के प्लगइन्स आपने यूज करना है तो उसके लिए आपने कौन सा प्लगइन फर्स्ट ऐड करना है फायरबेस कोर का सही है तो फायरबेस फायर स्टोर ऐड करने से पहले हम कौन सा प्लगइन ऐड करेंगे फायरबेस कोर इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर आ जाए यहाँ से हम इसको इंस्टॉल करते हैं ये यहाँ से इसको आपने उठा के डिपेंडेंसी को आपने प्रोजेक्ट के अंदर आना है और यहाँ पर आपको एक फाइल मिलेगी pubspec.yaml सही है यहाँ पर हमने अपनी जितनी भी डिपेंडेंसीज होती है जितने प्लगइन हमने ऐड करना होता है यहाँ पर ऐड करेंगे सही है यहाँ पर ऑलरेडी जो है ना एक प्लगइन ऐड है Virtual Icons के नाम से यहाँ पर हमने अपना दूसरा प्लगइन है ये भी ऐड कर देना है सही है आप ये ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप ये देखें pubget अब प्लगइन तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया इस प्लगइन को हमने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना है मतलब डाउनलोड करना है तो उसके लिए हम कौन सा ये डायरेक्टली यहाँ से भी रन कर सकते हैं दूसरा जो कमांड है वो है फ्लटर पब गेट तो ये प्लगइन जो है ना ये उसको इंटरनेट से उठा के आपके प्रोजेक्ट में उसको ऐड कर देगा ये कह रहा है नो pubspec.yaml फाइल फाउंड ओके जो ओके हम गलत डायरेक्टरी में है तो इस वजह से मुझे ये इशू आ रहा है हमने जाना है cd:anton_x_museum ओके सो आपने क्या रन करना है फ्लटर पब गेट यहां से रन कर सकते हैं और यहाँ पे शॉर्टकट भी है शॉर्टकट करेंगे ना लेट्स सपोज पे क्लिक करना तो वो फ्लटर पब गेट ही रन कर देगा आपको ये देखें फ्लटर पब गेट का कमांड ही इसने रन कर दिया है रन फ्लटर पब गेट अब ये कुछ सेकंड्स में आपका जो प्लगइन था उसने ऐड कर दिया है सो द प्लगइन हैज बीन एडेड टू द फायरबेस कोर सही है अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको शो भी करना होगा एक मिनट आपको मैं बता दूं इसको हम कैसे ऐड करेंगे असल में ये चेंजेस पहले रिक्वायर्ड नहीं थी अभी जो नए सेटिंग्स आई हैं कुछ अपडेट्स आई हैं उसमें ये रिक्वायर्ड है तो उसके लिए जरूरी है ओके इसकी डॉक्यूमेंटेशन हम देखते हैं सही है आपको एक्चुअली मैं डॉक्यूमेंटेशन का तरीके बताता हूँ ताकि बाद में अगर आपको कोई इशू हो तो आप उसको ऑटोमेटिकली देख सकें सही है
ओ आर वी में आएंगे ना, यहाँ पे ये बताएंगे आपको कि आपने सबसे पहले क्या करना है, इंस्टॉलेशन। सही है, असल में ये माइग्रेशन गाइड उसके लिए, लेट्स सपोज अगर आपने पहले से कोई प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ था, फिर अपडेट्स आई हैं उसके बाद, तो माइग्रेशन गाइड आपके लिए फायदेमंद होगी। बट आपने कोई इंस्टॉल नहीं किया तो माइग्रेशन देखने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले जो है ना फायरबेस कोर का वो ऐड करें। सही है, एंड उसके बाद आपने क्या करना है, अपना जो फायरबेस का प्रोजेक्ट है उसको इनिशियलाइज करना होगा। कहाँ पे? आपका जो मेन फाइल है, मेन डॉट डॉट जो फाइल है वहां पर हमने इसको ऐड करना है। सही है, तो इसको कॉपी करके हमने कहाँ पे डालना है, ये देखें, कॉल इनिशियलाइज ऐप मेथड इन द फायरबेस क्लास। सही है, हमने कहाँ पे ऐड करना है इसको, मेन मेन है ना, मेन के अंदर हम इसको ऐड करेंगे। सही है, तो जैसे इसको कॉपी करके हमने आना है यहाँ पर, और ये है हमारा मेन, यहाँ पर इसको आप ऐड कर दें। सही है, असल में यहाँ पे आपको इशू आएगा तो इसको आप कर दें अवेट, सॉरी, क्योंकि असल में ये अवेट यहाँ पे यूज नहीं हो सकता ना, अवेट का, क्योंकि ये फंक्शन सैंक्रोनस फंक्शन है, इसको आप एसिंक कर दें। एसिंक कर दें, उसको कर दिया है, आप ये कह रहे हैं कि फायरबेस, इसको इंपोर्ट कर दें फायरबेस कोर से। सही है, तो यहाँ पर हमने फायरबेस कोर ऐड कर दिया है। अच्छा, तो ये जितने भी प्लगइन्स आपने यूज करना है ना फायरबेस के, तो उसके लिए फायरबेस कोर ऐड करना जरूरी होता है। फायरबेस एड कोर हमने ऐड कर दिया है, उसके बाद हमने क्या यूज करना है, क्लाउड फायर स्टोर। सही है, अब हम आएंगे क्लाउड फायर स्टोर की तरफ। सही है, व्हाट इट डज, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मौजूद है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। इसके लिंक्स भी चलो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने ऐड करना है क्लाउड फायर स्टोर का जो प्लगइन है, तो आपने यहाँ से ऐड नहीं करना, आप यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे जो अपडेटेड प्लगइन होगा आप उसी को ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ पे वो वर्जन 0.5.3 चल रहा है और यहाँ पे पुराना वर्जन है 0.1.4 चल रहा है यहाँ पे। सही है, तो आप यहाँ पे आके यहाँ पे इंस्टॉलेशन में आकर यहाँ से आप इसको कॉपी करें और इसको यहाँ पे ऐड कर दें, जो pubspec.yaml है। सही है, यहाँ पर इसको ऐड कर दिया है हमने, अच्छा सॉरी, हमने दोबारा से फायरबेस को ऐड कर दिया है, हमने ऐड करना था फायर स्टोर। तो आप यहाँ पे क्लाउड फायर स्टोर सर्च करें, क्लाउड मैसेजिंग नहीं सॉरी, क्लाउड फायर स्टोर, तो यहाँ पे हम क्लाउड फायर स्टोर ऐड करते हैं। सो दिस इज हाउ वी इंस्टॉल क्लाउड फायर स्टोर, एंड दिस इज हियर क्लाउड फायर स्टोर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, इसको हम गेट कर लेते हैं। सही है, तो यहाँ पर आपका क्लाउड फायर स्टोर ऐड हो गया है। अब आपने इसकी जो बाकी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको यहाँ से पूरी मिल सकती है। सही, वो वेब के लिए अलग है, यूजेज है, अब यूजेज की तरफ आते हैं। तो यूजेज में आप क्या क्या कर सकते हैं, यूजेज में आप मतलब यहाँ पे उसकी सारी क्रट की पूरी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। सही है, डिटेल रीडिंग, डेटा को रीड करना, डेटा को राइट करना। सही है, तो अगर आपने पूरी डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन देखनी है तो आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। बट एनी हाउ अभी आपको राइट नाउ जरूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको अभी बता देता हूँ कि इसको हमने कैसे यूज करना है। ओके, सो हम आते हैं यहाँ पर, दोनों प्लगइन्स हमने ऐड कर दिए हैं। सही है, अच्छा अभी हमने करना क्या होगा, अभी तक हमारे पास ये जो म्यूजियम्स का डेटा था ना यहाँ पर इसी तरह आ रहा था। सही है, अभी हमने ये करना है कि ये म्यूजियम्स का डेटा हमने यहाँ से ऐड नहीं, डायरेक्टली रिटर्न नहीं करना, हम क्या करेंगे, ये हमारे फायरबेस सर्विसेज है, यहाँ पे हम कि अपना फायरबेस का जो फायर स्टोर का जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियलाइज करेंगे। सही है, तो मैं करता हूँ फायर स्टोर रेफरेंस इक्वल्स टू फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस। अच्छा यहाँ पे फर्स्ट इसको इंपोर्ट कर देते हैं, अच्छा आई थिंक उसने प्लगइन प्रॉपरली ऐड नहीं किया, तो यहाँ पे हम दोबारा से रन करते हैं फ्लटर पब गेट, तो यहाँ से प्लगइन दोबारा ऐड हो जाएगा। सही है, नाउ आप अगर रन कर लें फायर स्टोर, ये देखें क्लाउड फायर स्टोर आपके पास आ रहा है। तो अगर कहीं पे ये इशू आ रहा हो ना कि प्लगइन मतलब प्रॉपरली वो नहीं आ रहा हो इम्पोर्ट्स में, तो
आप दोबारा से उसको रिइंपोर्ट कर रहे हैं। ओके सो यहां पर हमने क्या करना है, फायरस्टोव डॉट इंस्टेंस। अच्छा ये क्या बोल रहा है, अच्छा अभी इसने चेंज कर दी है तो हमें यूज करना है फायरबेस फायरस्टोर। सही है, फायरबेस फायरस्टोर में हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी हमारे पास रेफरेंस आ गया है। सही है, मतलब ये उसका फायरस्टोर का एक ऑब्जेक्ट हमारे पास बन गया है। सही है, अच्छा अब हमारे पास ये फाइल स्टोर का ऑब्जेक्ट बन गया है, इसके थ्रू हमने डेटा कैसे एक्सेस करना है उसकी तरफ आते हैं। लेट सपोज यहां पर मैं दोबारा अपने डेटाबेस की तरफ आता हूँ। यहां पर अभी मेरे पास दो कलेक्शंस हैं, एक म्यूजियम्स है और एक मेरे पास एग्जीबिशंस है। सही है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कौन सा डेटा उठाना है, म्यूजियम्स का डेटा मैंने उठाना है यहाँ से। सही है, तो मैं क्या करूंगा, जो फायर स्टोर का जो ऑब्जेक्ट है फायर स्टोर, जस्ट आपने क्या करना है कलेक्शन, तो कलेक्शन नाम हमारा क्या है वहां पे, कलेक्शन नेम हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, म्यूजियम्स। सही है, तो म्यूजियम्स। सही है, और म्यूजियम्स के अंदर क्या है, म्यूजियम्स के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है उसको गेट कर दें। सही है, ये क्या करेगा, अब इसका आप रिटर्न देखते हैं ना, ये आपको रिटर्न करेगा एक क्वेरी स्नैपशॉट। अब क्वेरी स्नैपशॉट में क्या होता है वो देखते हैं, बट ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है, फ्यूचर में रिटर्न कर रहा है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, फाइनल स्नैपशॉट इक्वल्स टू अवेट लगाएंगे, क्योंकि ये रिटर्न करेगा फ्यूचर में। सही है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे वेट करना है। सही है, और ये क्या रिटर्न कर रहा है हमें, ये हमें एक क्वेरी स्नैपशॉट रिटर्न कर रहा है। अब क्वेरी स्नैपशॉट के अंदर क्या होता है, क्वेरी स्नैपशॉट के अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सही है, अगर आपने देखना है क्वेरी स्नैपशॉट, ये क्वेरी स्नैपशॉट का ऑब्जेक्ट है। सही है, अब क्वेरी स्नैपशॉट के अंदर हमारे पास, फिर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये उसकी इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन है ना। तो चलिए यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बट एनी हाउ ये हमें वैल्यू रिटर्न करके देगा। सही है, जिसको हम क्वेरी स्नैपशॉट बोलते हैं, और उसी क्वेरी स्नैपशॉट के अंदर हमारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं। सही है, हम क्या करेंगे, स्नैपशॉट तो हमारे पास आ गया है, तो हम फर्स्ट देखेंगे एफ स्नैपशॉट डॉट साइज इज ग्रेटर देन मतलब अगर उसका साइज ग्रेटर देन जीरो जीरो है, मतलब स्नैपशॉट के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है उसका साइज कितना है, उसका साइज लेट्स सपोज ग्रेटर देन जीरो है, तो तब हमने कुछ काम करना है, अदरवाइज हमने क्या रिटर्न करना है, यहां से हम एक एम्प्टी अरे रिटर्न कर देंगे। सही है, एम्प्टी अरे का क्या मतलब होगा कि यहाँ पे हमें कोई डेटा नहीं मिला। सही, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अगर लेट्स सपोज वो ग्रेटर देन क्या है, उसका साइज ग्रेटर देन जीरो है, तो मैं मेरे पास जो डेटा आएगा उसको मैं लेट्स सपोज यहाँ पे चले स्नैपशॉट डॉट डॉक्स, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ कि मेरे पास कितने डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं। सही है, डॉक्स रिटर्न फ्रॉम डेटाबेस, यहाँ पे मैं करता हूँ उसका साइज। तो स्नैपशॉट के अंदर हमें हमारे पास क्या आएंगे, यहाँ पर स्नैपशॉट एंड स्नैपशॉट के अंदर डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसकी मैं लेंथ प्रिंट करता हूँ। सही है, तो स्नैपशॉट हमें स्नैपशॉट के अंदर हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, सपोज म्यूजियम है ना, तो म्यूजियम के जो डॉक्यूमेंट्स है ये दोनों डॉक्यूमेंट्स मुझे वहां पर मिलेंगे, उसने रिटर्न किए होंगे। अच्छा, तो इनिशियली डॉक्स रिटर्न फ्रॉम डेटाबेस। सही है, उसका लेंथ मैं प्रिंट कर रहा हूं। दूसरा मैं क्या करता हूं, प्रिंट मैं करता हूं फॉर फाइनल डॉक इन स्नैपशॉट डॉट डॉक्यूमेंट्स। अब स्नैपशॉट डॉट डॉक्स जो है ना, ये हमारे पास एक्चुअली एक अरे है। सही है, डॉक्यूमेंट्स की एक अरे है। सही है, डॉक्यूमेंट्स का एक लिस्ट है। सही है, उसको मैं जस्ट इटरेट कर रहा हूं। सही है, या मैं कर देता हूं स्नैपशॉट डॉट डॉक्स डॉट फॉर ईच। फॉर ईच हमने किया था ना, अगर आप लोगों को याद हो, तो इसमें मेरे पास क्या आएगा, एक डॉक्यूमेंट आएगा यहां पर,
और डॉक्यूमेंट के फॉर टाइमिंग मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, डॉक्यूमेंट को मैं प्रिंट कर देता हूँ जस्ट। अब ये मेरे पास ये डॉक्यूमेंट क्या होगा, ये एक जेसॉन फॉर्मेट का एक डॉक्यूमेंट होगा। इसको लेट सपोज रीजन करते हैं, ओके मुझे यहां पर एप्लीकेशन में एरर दे रहा है, कि नो फायरबेस एप्लीकेशन हैज क्रिएटेड, कॉल फायरबेस डॉट इनिशियलाइज एप्लीकेशन, सही है, क्योंकि ये यहां पर मैंने ऐड किया है बट इस अपने एप्लीकेशन को मैंने रीस्टार्ट नहीं किया, तो अपने एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा ताकि ये मेन का फंक्शन भी कॉल हो जाए, हमारा एक फायरबेस का जो प्रोजेक्ट है वो रन हो गया। तो रीस्टार्ट कर दिया है मैंने एप्लीकेशन को, बट ये क्या कह रहा है, कोड नो फायरबेस ऐप, ओके दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। ओके यहाँ पे ऐसे में यहाँ पे इशू आता, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए क्या कह रहा है, अनहैंडल सर्विस बने, ओके तो दिस एक शॉर्ट इशू है, यहाँ पर हम क्या करते हैं इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम करते हैं वेट, दोबारा से रिस्टार्ट करें इसको, असल में हमारे पास विजिट्स रेडी नहीं होते हैं और ये दोबारा कॉल हो जाता है तो उसकी वजह से हमें ये इशू आता है, मिसिंग एक्सेप्शन, ओके सो वी आर गेटिंग दिस इशू, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, मिसिंग प्लगइन एक्सेप्शन, इसको हम देखते हैं कि इसकी वजह क्या हो सकती है। Everything is right over here. Okay, missing plugin exception on Android. Okay, I fix this issue of adding a wait Firebase dot initialize app. ओके हम क्या करते हैं अपने ऐप को जो दोबारा से क्लोज करके दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं फिर देखते हैं, सही है, शायद इसकी वजह से इशू है कोई। अच्छा नहीं करते हैं इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम फ्लटर क्लीन रन करते हैं। असल में लास्ट टाइम इस तरह इशू होता है ना कि आपका जो कोड होता है ना वो पुराने वाला रन हो रहा होता है, सही है, मतलब जो आपको पुराना बिल्ड जनरेट हुआ होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं फ्लटर क्लीन, अगर आपको किसी टाइम पे इशू आ रहा है जो मतलब कोई खास इशू नहीं है एप्लीकेशन के अंदर और फिर भी स्टिल एप्लीकेशन इशू कर रहा है तो आप फ्लटर क्लीन रन करें ताकि आपका जो पुराने बिल्ड्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे इससे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्लीन इन द प्रीवियस बिल्ड्स एंड देन रीस्टार्ट आवर एप्लीकेशन। ओके जब तक हमारा ये एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो मैं आपको इस थोड़ा सा इस कोड ये जो कोड है ये थोड़ा सा आपको समझा दूँ। ये एक्चुअली इसमें यहाँ पे आपके पास क्या आता है स्नैपशॉट आ जाता है, सही है। अब स्नैपशॉट के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, स्नैपशॉट के अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर लेट्स सपोज उसका साइज ग्रेटर देन जीरो है तो मतलब उसके अंदर जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स मतलब ग्रेटर देन जीरो है, सही है। तो अगर मतलब इक्वल टू जीरो है मतलब उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मतलब वहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं था या आपने जो क्वेरी रन की है वो गलत थी, कोई इशू था उसमें। सो फॉर एग्जाम्पल अगर डॉक्यूमेंट्स में ज्यादा है मोर देन जीरो है तो फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं स्नैपशॉट डॉट डॉक्यूमेंट्स डॉट लेंथ, सही है। फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं स्नैपशॉट डॉट डॉक्यूमेंट्स, असल में ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना ये हमारे पास एक्चुअली एक लिस्ट है, चलो आपको मैं यहाँ पे इस तरह समझा दूँ ना कि इसको मैं एक लिस्ट बना लूँ उसको मैं नाम दे दूँ डॉक्स, सही है, डॉक्यूमेंट्स और स्नैपशॉट डॉट डॉक्स उसको मैं असाइन कर दूँ, जैसे इसका मतलब ये है, सही है। और यहाँ पर मैं क्या करूँ
docs.forEach, मतलब ये मेरे पास एक लिस्ट है और लिस्ट को मैं इटरेट कर रहा हूँ, और इस चीज को हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि लिस्ट को हमने कैसे इटरेट करना है, सही है? सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस इटरेशन अगेन, सही है? एक तरीका तो ये क्या, इसको इस तरह इटरेट करें। दूसरा तरीका इसका ये भी है कि हम इसको फॉर लूप लगा के फॉर फाइनल डॉग इन डॉग्स, सही है? और हम यहाँ पे क्या लगा दें, ये प्रिंट डॉक्यूमेंट वहां पर लगा दें, दोनों का मतलब सेम आता है, सही है? इसका और ये जो नीचे मैंने लाइन जो दो लाइन लिखे हुए ना, ये इसका मतलब सेम है, दोनों का आउटपुट भी आपके पास सेम आएगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ लेट्स वेट फॉर इट टू रन कंप्लीटली एंड सी व्हाट्स द आउटपुट। ओके, यहां तक अगर आपके क्वेश्चन है तो बताएं उस टाइम तक जब तक ये रन हो, मैं आपके क्वेश्चंस को रिजॉल्व कर देता हूं। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ओके, सो नो क्वेश्चन। ओके, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा। ओके, क्या कर रहे हैं? ओके, एक्चुअली ये कह रहा है कि कैन नॉट फिक्स डेक्स फाइल, सही है? ये इशू आता है जब आप सही है, जब आप फायरबेस सेट करते हैं तो आपको ये इशू आता है। इसको हम मल्टी डेक्स का इशू बोलते हैं, सही है? असल में उसमें एक फंक्शन की एक लिमिट होती है, उस फंक्शन की लिमिट को हम जब क्रॉस करते हैं तो हमें ये इशू आता है। तो इसका इसका इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट आपने मल्टी डेक्स ऐड करना है, सही है? ऐड मल्टी डेक्स टू एंड्रॉइड, सही है? आप जस्ट ये सर्च करें, आपको हमने यहाँ पे जस्ट मल्टी डेक्स को एनेबल करना है, सही है? असल में इसमें एक लिमिट है एप्लीकेशन मेथड्स की, सही है? जब 64 के मेथड्स को क्रॉस करते हैं तो हमें ये एरर आता है। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, डिपेंडेंसीज के अंदर आप ये ऐड कर दें। ये क्या बोल रहे हैं कि प्रायर, ओके, तो हम क्या ऐड करते हैं, ये डिपेंडेंसी ऐड करनी है और यहाँ पे मल्टी डेक्स को हमने इनेबल करना है। तो हमने आना है कौन सी फाइल में, एंड्रॉइड, एंड्रॉइड के अंदर हमने आना है बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर, सही है? इसमें हमने यहाँ पर ये मल्टी डेक्स ऐड कर दें, सही है? और दूसरा ये करना है कि हम इस मल्टी डेक्स को इनेबल कर दें। तो जब फायरबेस यूज करते हैं तो ये इशू आता है। यहाँ पर आप ये सही, अब इसको दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं तो ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा।
सो मल्टीडेस्क केस में एक वजह यह है ना कि हमारे पास जो क्लासेस है ना उसमें मेथड्स होते हैं, सही है। वो मेथड्स की हमारे पास यहाँ पे एक हाफ लिमिट है 64 के। जब आपके लेट्स सपोज हमने यहाँ पे अभी इसमें फायरबेस ऐड किया है, तो फायरबेस के जो क्लासेस हैं उसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, सही है। तो उसकी वजह से हमारा जो लिमिट है ना वो 64 से क्रॉस हो जाता है, सही है। तो जब आपका लिमिट 64 से क्रॉस हो जाता है तो फिर मतलब जो सिंगल डेक्स है वो उसको प्रमोट सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली जब आपका बिल्ड जनरेट होता है तो उसकी उसमें एक फाइल होती है, इसको हम डेक्स फाइल बोलते हैं। तो जब उसकी जो लिमिट है वो 64 के से ज्यादा नहीं है, 64 के तक वो मेथड्स को अपने अंदर मतलब 64 के तक मेथड्स को सपोर्ट कर सकता है। जब आपके फंक्शन की जो मेथड्स की जो लिमिट है वो 64 से क्रॉस हो जाए 64 के से, तो तब आपको मल्टी डेक्स फाइल्स यूज करनी होती है, मतलब एक के बजाय मल्टीपल डेक्स फाइल्स यूज करनी होती है। तो उसको यूज करने के लिए यहाँ पे एंड्रॉयड के अंदर मल्टी डेक्स को इनेबल करना होता है। तो यहाँ पर अभी जब हमने इसको इनेबल कर दिया है तो अभी इशू रिजॉल्व हो गया है और हमारा बिल जनरेट हो चुका है। ये देखें अभी हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है, तो वो मल्टी डेक्स का इशू भी रिजॉल्व। ओके, तो ये कह रहा है कि मल्टी, चलें इस इशू को देखते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वहां पर क्या किया था, ये देखें हमने डॉक्स नंबर ऑफ डॉक्स रिटर्न कितने थे, डॉक्स रिटर्न इक्वल्स टू टू। जो एरर है उसको हम फिर बाद में लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस सर्विसेज थी ना, तो इनिशियली ये फंक्शन कॉल हो रहा है ना, गेट म्यूजियम्स का डेटा, गेट म्यूजियम्स का फंक्शन ये होम स्क्रीन से कॉल होता है। ये देखें गेट डेटा एंड गेट डेटा से हम क्या कर रहे हैं, म्यूजिक गेट म्यूजियम का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो जब ये कॉल होता है इनिशियली हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की डॉक्यूमेंट्स का लेंथ कितना है, टू, सही है। सही, तो यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास वो डॉक्यूमेंट आ गया है, डॉक्यूमेंट का लेंथ वहां पर है, एंड देन हमने एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बना दिए हैं जिसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। चलो इसको हटा देते हैं, अभी आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई जो मैं उस टाइम यूज कर रहा था, स्नैपशॉट डॉट डॉक्स, सही है। तो ये हमें डॉक्यूमेंट्स देते हैं, और डॉक्यूमेंट्स का फॉर्म कौन सा है, क्वेरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट। तो अगर हमने डॉक्यूमेंट के अंदर जो डेटा है उसको एक्सेस करना है तो जस्ट डॉक्यूमेंट डॉट डेटा कर दें तो आपके पास डेटा आ जाएगा, सही है। मैं दोबारा थोड़ा सा बैक जाता हूँ, दोबारा से स्क्रीन पे आता हूँ तो अभी आपको अंदाजा हो जाएगा। ये देखें अभी इश्यूज को हटा के हम देखते हैं, एक मिनट अच्छा, बैक एंड देन ये देखें डॉक्यूमेंट्स हमारे पास दो रिटर्न हुए हैं। इसके बाद जो हमारे पास डॉक्यूमेंट मिला है ना वो उसमें क्या क्या है, ये तीन चीजें हैं। ये देखें टाइटल क्या है, हरिपुर म्यूजियम है एंड पेशावर म्यूजियम। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अब कहाँ से आ रहे हैं, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अब हमारे पास फायरबेस से आ रहे हैं। एक हमारे पास हरिपुर म्यूजियम है, दूसरा हमारे पास पेशावर म्यूजियम है। तो यहाँ तक तो हो गया है कि हमारे पास डेटा आ रहा है। अब अगर आप लोग ये देखें कि हमारे पास डेटा किस फॉर्मेट में है, ये देखें की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में है, सही है। और ये की वैल्यू पेयर फॉर्मेट हमारे पास क्या है, ये असल में हमारे पास वही जेसॉन फॉर्मेट है, सही है। तो ये हमारे पास एक्चुअली जेसॉन फॉर्मेट में आ रहा है डेटा, क्लियर। अब जेसॉन फॉर्मेट से हमने डेटा निकालना है, सही। तो उसके लिए जो तरीका है, लेट सपोज मैं सोचता हूँ कि यार मैंने अभी यहाँ पे प्रिंट करना है क्या, लेट सपोज हम क्या करते हैं, यहाँ पर मेरे पास डेटा आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे करता हूँ लेट सपोज नेम या टाइटल फाइनल, टाइटल एंड टाइटल हमारे पास क्या है, जो डॉक्यूमेंट था ना, ओके ओके फर्स्ट पे करता हूँ फाइनल जेसॉन, जो डॉक्यूमेंट मेरे पास आया हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट डेटा, तो ये मुझे डेटा देगा जेसॉन फॉर्मेट में, सही है, जेसॉन में आ जाएगा। अब जेसॉन से मैंने अपना टाइटल निकालना है, सही है। तो टाइटल का जो
वो टाइटल की जो की है वो हमारे पास क्या है, वो टाइटल है। तो यहाँ पे आप इस तरह यूज कर सकते हैं इसको, टाइटल। सही है, टाइटल आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, इमेज यूआरएल है। तो इसको हम इसका देखें, इमेज यूआरएल की हमारे पास क्या है, ये है, तो इसको हमने यहाँ पे डाल दिया है। दूसरा हमारे पास एड्रेस है, तो एड्रेस की निकाल के हम यहाँ पे इसमें डाल देते हैं। इसको मैं कर देता हूँ एड्रेस, सही है, और इसको हम प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट टाइटल क्या है, डॉलर टाइटल, टाइटल था। एंड उसके बाद हमारे पास है इमेज यूआरएल, एंड इसको मैं कह देता हूँ इमेज यूआरएल। एंड उसके बाद एड्रेस है, सही। तो ये तीन चीजें ये देख गए, इसको मैं दोबारा से रिटर्न करता हूँ ना बैक जाके, तो दोबारा से रन करता है। अब ये देखें हमारे पास ये सारा डेटा आया हुआ होगा। ये देखें डॉक्यूमेंट हमारे पास दो रिटर्न हुए हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ क्या है, ये देखें टाइटल उसका क्या है, इमेज यूआरएल उसका नल है, मतलब एम्प्टी अरे है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा है। एंड सेकंड कितना हमारे पास एड्रेस है, तो हमारे पास यहाँ पे एड्रेस आ रहा है। ये देखें अगर हमारे पास पिशावर म्यूजियम है, पिशावर म्यूजियम आ रहा है, उसके बाद हमारे पास इमेज यूआरएल में कुछ नहीं है, एंड एड्रेस हमारे पास एड्रेस आ रहा है। तो इस तरह हमने जेसॉन से अपना डेटा निकाल लिया है, सही है। अच्छा अब अगर आप लोग देखें यहाँ से हमने क्या रिटर्न करना है, म्यूजियम्स का एक लिस्ट रिटर्न करना है, सही, लिस्ट ऑफ म्यूजियम हमें यहाँ से रिटर्न करना है। क्लियर, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फाइनल लिस्ट ऑफ म्यूजियम बनाता हूँ, सही है। उसमें क्या करता हूँ, उसको मैं एम्प्टी कर देता हूँ फॉर टाइम बीइंग। म्यूजियम्स, सही है, उसको फॉर टाइम बीइंग मैंने एम्प्टी अरे असाइन कर दिया है। क्लियर। अच्छा यहाँ पर जब मेरे पास डेटा आएगा, ये देखिए मेरे पास जब डेटा आएगा ना यहाँ पर, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पर मेरे पास ये डेटा आ रहा है, सही है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पर बार बार जो है ना ये डेटा उठा के मैं इस तरह अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूँ। किस तरह अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूँ, ये देखें हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ गया है, फिर हमने उसे जेसॉन बना दिया है, फिर हमारे पास जो लिस्ट है म्यूजियम्स का, म्यूजियम्स डॉट ए, और यहाँ पे हमने क्या ऐड करना है, म्यूजियम हमने यहाँ पे ऐड करना है। क्लियर। एंड म्यूजियम में मैं क्या करता हूँ, टाइटल, तो टाइटल में ये टाइटल पास कर देता हूँ, ये जो टाइटल यहाँ पे आया हुआ है ये टाइटल मैंने पास कर दिया है। एंड उसके बाद जब नेक्स्ट क्या है, इमेज यूआरएल है, तो इमेज यूआरएल में मैं ये इमेज यूआरएल पास कर देता हूँ, सही है। एंड उसके बाद फिर हमारे पास एड्रेस है, तो एड्रेस में मैं ये वाला एड्रेस पास कर देता हूँ, सही है। तो ये एड्रेस मैं यहाँ पे उसमें पास कर देता हूँ, सही। क्लियर। तो जब फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट डॉक्यूमेंट रन होगा, तो फिर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ये म्यूजियम्स की लिस्ट में ऐड हो जाएगा, सही है। एंड इसी तरह सेकंड सेकंड जो ऑब्जेक्ट होगा, डॉक्यूमेंट होगा, हमारे पास में दो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं ना, तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट का एक ऑब्जेक्ट बन के इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा, सही है, एंड सेकंड का इसमें ऐड हो जाएगा। तो एक तरीका तो हमारे पास ये है कि इसको हम इस तरह करें। अब देखें हम जब बैक जाते हैं, यहाँ पर मैं आता हूँ लिस्ट, ओके यहाँ पर मेरे पास एक एरर आ रहा है कि मैप वाज कॉल्ड नल। ओके इस एरर को फर्स्ट रिजॉल्व करते हैं। लॉगिन स्क्रीन एरर हमारे पास है होम स्क्रीन पे, ओके सॉरी, यहां से मैं कुछ रिटर्न नहीं करा ना, इसको थोड़ा सा अब इसको रिमूव कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, सही है। यहां से मैं क्या रिटर्न करता हूँ, ये जो म्यूजियम्स की लिस्ट बनी है ना, उसको मैं रिटर्न कराता हूँ यहाँ से। एक्चुअली मैं म्यूजियम यहाँ से रिटर्न नहीं कराता उस टाइम, रिटर्न म्यूजियम्स। अब हमारा यूआई देखें इसको, यहाँ पर देखें, अब हमारे पास जो डेटा आ रहा है ना, वो एक्चुअली डेटाबेस से आ रहा है। ये देखें दो दो म्यूजियम का डेटा आया हुआ है, ये दोनों जो म्यूजियम है ना, ये कहाँ से आ रहा है, ये डेटाबेस से आ रहा है। तो डेटाबेस से किस तरह आ रहे हैं, इनिशियली हमारे पास ये होम स्क्रीन है ना, तो होम स्क्रीन में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गेट म्यूजियम्स कर रहे हैं, सही है। तो गेट म्यूजियम से हमारे पास जब डेटा आता है, तो
तो यहाँ पर हम म्यूजियम्स को पास करना है, और म्यूजियम के ऊपर हमने यहाँ पे नीचे लिस्ट व्यू में यूज किया हुआ है। तो ये हमारे पास जो यहाँ से स्नैपशॉट आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स को हम किस में ऐड कर रहे हैं, फिर हमारे पास उसको म्यूजियम्स का एक ऑब्जेक्ट बना के म्यूजियम्स के लिस्ट में ऐड कर रहे हैं। बट ये जो प्रोसेस है ना, ये जो हम इस तरह ऐड कर रहे हैं, टाइटल हम फर्स्ट कर रहे हैं, फिर इमेज यूआरएल कर रहे हैं, फिर एड्रेस कर रहे हैं, ये जो ये हमारे पास एक लेंथी तरीका है, ये हमारे पास एक बेहतर तरीका नहीं है। सही है, बेहतर तरीका इसका करने का ये है कि हम हमारे पास जो म्यूजियम का ऑब्जेक्ट है ना, इसमें हम एक और कंस्ट्रक्टर ऐड करते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। सही है, अगर आपको याद हो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो उसमें हमारे पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं एक क्लास के अंदर। सही है, अच्छा, लेकिन दूसरे लैंग्वेजेस में क्या होता है, हमारे पास एक ही कंस्ट्रक्टर है ना, उसमें हमारे पास जो फील्ड्स हैं वो डिफरेंट आता है, एक हमारे पास में ये होता है। सही है, जबकि हमारे पास इसमें फ्लटर में डॉट में क्या होता है, अगर आपने एक दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाना है ना, तो उसका नाम हमने अलग रखना होता है। सही है, म्यूजियम डॉट, लेट सपोज मैं करता हूँ इसको फ्रॉम जेसन, तो ये हमारे पास एक और कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। सही है, और इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें इसको मैं जेसन का ऑब्जेक्ट पास करता हूँ। सही है, जेसन का ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस डॉट टाइटल, उसको हम सेट करेंगे जेसन, उसमें हमारे पास क्या होगा, टाइटल होगा। अब हमारे पास ये जेसन का ऑब्जेक्ट आएगा ना यहाँ पर, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस सारे प्रोसेस की बजाय मैं क्या करता हूँ, मैं म्यूजियम्स डॉट ए, म्यूजियम डॉट फ्रॉम जेसॉन, और इसको मैं यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये जेसॉन का डॉक्यूमेंट है, इसको मैं ये पास कर देता हूँ। अब ये वाला बहुत सिंपल तरीका है, और ये स्केलेबल भी है, मतलब अगर आपके पास बहुत बड़ी एप्लीकेशन है ना, तो उसमें जो तरीका मैंने पहले फॉलो किया था वो उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं बार बार, मतलब वो एक बेहतर तरीका नहीं है। ये हमारे पास जो है ना वो ऑप्टिमाइज वे है, इससे आपका टाइम भी बचता है, एरर के चांसेस भी इसमें कम होता है। तो फ्रॉम जेसन है, तो इसमें हमारे पास एक टाइटल आ रहा है डेटा में, एंड उसके बाद हमारे पास सेकंड क्या था, दिस डॉट एड्रेस, एंड जेसन का जो ऑब्जेक्ट है इसमें हमारे पास दूसरा क्या है, एड्रेस आ रहा था, एंड दिस डॉट टाइटल, दिस डॉट हमारे पास क्या रह गया, इमेज यूआरएल, एंड जेसन इमेज यूआरएल। सो ये क्या करेगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। सेव करते हैं इसको दोबारा से, अब आपको मैं एप्लीकेशन को दोबारा से रिस्टार्ट करता हूँ, और इसको हम देखते हैं कि ये हमारे पास एग्जैक्टली वही काम करेगा जो हमने यहाँ पर पहले जो पहला जो हमने तरीका फॉलो किया था उसमें करा था। सो फॉर एग्जाम्पल दिस एंड देन अगेन, ये देखें तो आपके पास ये जो डेटा आ रहा है ना, ये एग्जैक्टली वो वहाँ जो बैकएंड में डेटाबेस है ना, उससे आ रहा है। अब इसको टेस्ट करने के लिए वेरीफाई क्या होता है कि हमारे पास डेटा यहाँ से आ रहा है या नहीं, यहाँ पर हम एक और डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं, उसको मैं आईडी देता हूँ टाइटल, इसको मैं कर देता हूँ हरिपुर म्यूजियम है, तो इसको मैं करता हूँ एबटाबाद म्यूजियम, एबटाबाद म्यूजियम, उसका एड्रेस जेल रोड एबटाबाद, एंड थर्ड हमारे पास है उसका इमेज यूआरएल, उसको हम एमपी जोड़ देते हैं। सही है, सेव कर दिया है मैंने। अब हम क्या करते हैं, ये देखें हमारा जो एप्लीकेशन है, इसको मैं दोबारा से रीलोड करता हूँ इस पेज को। अब ये देखें ये तीन डेटा लोड करेगा, ये देखें हरिपुर है, तो उसने एबटाबाद कर दिया है, और फिर पिशावर यहाँ पे ऐड कर दिया है। सही है, तो अब जो डेटा यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ना, वो बिल्कुल रियल जो डेटाबेस है वहां से आ रहा है। सो दिस इज हाउ ये जो है ना वो डेटाबेस से डेटा लेने का ये ऑप्टिमाइज तरीका है। सही है, तो अब यहाँ पर हमने क्या किया है, ये देखें म्यूजियम डॉट फ्रॉम जेसन, तो यहाँ पर मैंने जो यहाँ पे एक वो मेंशन किया था, अगर आपको याद हो हमारे आज के जो कंटेंट्स हैं उसमें था ये कंटेंट्स नंबर 4v4, ये देखें जेसॉन इनकोडिंग। अब जेसॉन को हमने ऑब्जेक्ट में इनकोड कर दिया है। सही है, अब जेसॉन को सॉरी जेसॉन को हमने डिकोड किया है, अब जेसॉन था ना उससे हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है। सही है, जेसॉन से हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। सही है, सो दिस इज हाउ आपको ये
यही तरीका से हम जो मैंने फॉलो किया है, ये एक ऑप्टिमाइज तरीका है, इसी को आप भी फॉलो करें। सही है, तो ये हमारे पास हो गया museum.com.json, और ये एग्जैक्टली सही काम भी कर रहा है। अब जो नेक्स्ट जो सेकंड चीज है, वो हमने क्या करना है, जो एग्जीबिशंस का डेटा है वो भी हमने कहाँ से उठाना है, वो भी हमने यहाँ से नहीं बल्कि एग्जैक्ट सेम डेटा उठाना है जो एक्चुअल डेटा है। सही है, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ चीजों को यहाँ से। अच्छा, स्नैपशॉट एंड फायरबेस कलेक्शन, तो कलेक्शन का नाम क्या है, एग्जीबिशंस है, exhibitions.get, सही है। तो एग्जीबिशंस के डॉक्यूमेंट इसमें आएंगे हमारे पास, सही है, डॉक्यूमेंट फ्रॉम डेटाबेस, सही, म्यूजियम के बजाय हमने यहाँ पे इसको ऐड करना है एग्जीबिशंस में, सही है। एंड एग्जीबिशंस में अच्छा हम क्या करते हैं फिर, ये जो एग्जीबिशन का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे भी एक फ्रॉम जेसन बना देते हैं, सही है, constructor.from.json, यहाँ पे हम इसको क्या पास करेंगे, एक जेसन को ऑब्जेक्ट पास करेंगे एंड उसी जेसन को फिर हम यूज कर लेते हैं, दिस डॉट एम एच यू आर एल एंड जेसन एम एच यू आर एल। अच्छा, ये जो की है ना, ये की आपने कौन सी यूज करनी है, जो आपने यहाँ पर दी हुई है इसको, ये देखें यहाँ पर ये जो की है एग्जीबिशंस में, ये की एम एच यू आर एल, डेट एड्रेस एंड टाइटल, सही है। तो यही सेम की आप लोगों ने यहाँ पर यूज करनी है, इसको मैं टाइटल एंड लेट्स मेक इट टाइटल एज वेल एंड दिस इज एड्रेस एड्रेस, एक और किया था डेट, ओके सो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे एग्जीबिशन डॉट फ्रॉम जेसन, सही है, और ये डॉक्यूमेंट उसको पास होगा। अब देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एग्जीबिशन का कौन सा डेटा आ रहा है, सही है, हम इसको दोबारा से पीछे जाते हैं, दोबारा से आते हैं यहाँ पर, अब देखें हमारे पास ये देखें, ये तीनों जो फायर सॉरी ये तीनों जो म्यूजियम है, ये हमारे पास डेटाबेस से आ रहे हैं, फायरबेस डेटाबेस, ये देखें हमारे पास दो म्यूजियम आ रहे हैं यहाँ पर, सॉरी ये एप्टावा दो जो एग्जीबिशन आ रहे हैं ना, वो भी हमारे पास डेटाबेस से ही आ रहा है वो डेटा, सही है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एग्जीबिशन में एक और डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं वेरिफिकेशन के लिए कि डेटा वहां से आ रहा है या नहीं, टाइटल, एंटाइटल में मैं करता हूँ बन्नू फूड फेस्टिव, सही है, एड्रेस एंड एड्रेस को कर देते हैं बन्नू में, तो मुझे जगह का नहीं पता, बन्नू बाजार कर देंगे, बनू बाजार एम एच यू आर एल, उसको हम एम्प्टी छोड़ देते हैं एंड उसके बाद हम करते हैं डे, तो डेट नहीं बोलते डेट था, उसको हम कर देते हैं मंडे, सेव। अब ये देखिए हमारे पास फोर टाइमिंग दो म्यूजियम है ना, इसको मैं जब रीलोड करता हूँ स्क्रीन को, ये देखें म्यूजियम ये तीन आ गया है। अब ये देखें यहाँ पर ये बनू फूड, ये बनू फेस्टिवल भी आ रहा है, बनू फूड फेस्टिवल भी आ रहा है। सो दिस इज हाउ हमने यहाँ पर इसको मैनेज करना है। ये तो हम हो गया है कि डेटाबेस हमने डेटा उठाना कैसे है, डेटाबेस हमने डेटा लेने लेना कैसे हो, सही है, ये हमारे पास एक तरीके का हो गया है। अब हमने एक छोटा सा काम करना है, हम करते हैं ये होम स्क्रीन है ना, ये हमारे पास होम स्क्रीन कहाँ पर है, ये था होम स्क्रीन, अब हम करते हैं कि हम यहाँ से अपने ऐप से ही एक वो ऐड करते हैं यहाँ पर एक म्यूजियम से अपने आप से ऐड करते हैं, और डेटाबेस हमने गेट कर लिया है, अब हम डेटा यहाँ से पुश कैसे करेंगे डेटाबेस में, उसको भी एक नजर देखता है, सही है। तो मैं यहाँ पर एक बटन डालता हूँ, उसको नाम देते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन, मैं इसमें डाल देता हूँ, सही है, फ्लोटिंग एक्शन बटन, फ्लोटिंग एक्शन बटन, इसका चाइल्ड में डाल देते हैं आइकन एंड icons dot एट, सही है, ऑन प्रेस पे क्या होगा, ऑन प्रेस पे हम एक नए स्क्रीन स्क्रीन पे जाते हैं एंड वहां से हम एक न्यू से मैनेज करेंगे, सही है, नेविगेटर
navigator dot push, and यहाँ पर हम दे रहे हैं कॉन्टेक्स्ट राउट, तो मटेरियल पेज राउट अंदर में कॉन्टेक्स्ट था, एंड उसके बाद हमने यहाँ पर पेज का नाम देना है, सही है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ एड म्यूजियम स्क्रीन, सही है। ये सर मैं स्क्रीन बनाया नहीं है तो उस वजह से यहाँ पर एरर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं एक स्क्रीन बनाते हैं इसी नाम से, स्क्रीन्स हैं, चलिए मैं सर करता हूँ जो लॉगिन स्क्रीन है ना इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और उसी को मॉडिफाई कर देता हूँ, एड म्यूजियम स्क्रीन, सही। म्यूजियम स्क्रीन तो हमारे पास आ गया है, एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं म्यूजियम का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, म्यूजियम और एक म्यूजियम कॉपी। अब इसका यूआई हमारे पास किस तरह होगा, यूआई इसका हम इस तरह बना लेते हैं कि लॉगिन नहीं है ना, इसको हम कर देते हैं, चलिए लॉगिन मैसेज है ना उसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, हमारे पास लॉगिन स्क्रीन है ना, तो इसको इस तरह करने की वजह से हम कर देते हैं, इसको कर देते हैं एड म्यूजियम, एंड फिर हमारे पास ईमेल था ना तो ईमेल को हटा के, अच्छा सॉरी आई थिंक आप लोगों को यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल ये एड म्यूजियम स्क्रीन है ना तो इसका नेम चेंज करते हैं, क्लास का नेम एड म्यूजियम स्क्रीन, अब एक्चुअली ये स्ट्रेटफुल विजेट है तो मल्टीपल जगह पे मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, दिस वन वेबसाइट इज एन विजिट एज रिक्वायर्ड बाय द क्लोजर कॉन्टेक्स्ट, ओके एंड म्यूजियम स्क्रीन, सॉरी इसको मैं सेट करके जरा यहाँ पे इस पे बात करते हैं, सही है। ओके सो मैं स्क्रीन पे आता हूँ, ये यहाँ पर मैंने प्लस का बटन डाल दिया है, बट प्लस के बटन में मैं क्लिक करूंगा तो मैं म्यूजियम्स, अभी देखिए मैं ऐड म्यूजियम्स पे आ गया हूँ ना, तो ये मेरे पास ऐड म्यूजियम्स का स्क्रीन है, तो इसको मैं ईमेल एड्रेस की बजाय इसको मैं कर देता हूँ टाइटल, सही है म्यूजियम का टाइटल होगा, सही है। प्लीज एंटर म्यूजियम नेम एंड सही है, अच्छा इसके बाद पासवर्ड का फील है तो इस पासवर्ड को हटा के इसको मैं लेबल कर देता हूँ, लेबल कंप्लीट करते हैं, टाइटल है उसमें उसके बाद उसका एड्रेस है, सही है म्यूजियम का, ये देखें ये साथ साथ आपके पास आई थिंक चेंज हो रहा है, इसको क्लोज करके आपको ये दिखा देते हैं, सही है टाइटल एंड इसको ये वैलिडेशन फिलहाल इससे हटा देते हैं, ओके ओके सो द नेक्स्ट वन इज एक मिनट यहाँ पे
ओके एंड इसको हम कर देते हैं इमेज यूआरएल एंड फॉरगॉट पासवर्ड को हटा देते हैं यहाँ से, स्पेसर रहे यहाँ पर, और हम यहाँ पे क्या कट करते हैं लॉगिन है ना, तो लॉगिन को लॉगिन के बजाय हम क्या कर देते हैं ये जो चीजें हैं इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको हम करते हैं एड। ओके सो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे टाइटल एंटर करेंगे म्यूजियम का, सही है, ये टाइटल होगा म्यूजियम का, ये उसका एड्रेस हो जाएगा, और ये लेट सपोज यहाँ पे अगर आपके पास इमेज का लिंक है तो यहाँ पे हम इमेज का लिंक डाल के इसको यहाँ से ऐड कर देंगे, सही है। जब यहाँ से ऐड करेंगे तो हमारा जो इमेज है वो हम वहाँ पे ऐड हो जाएगा, सॉरी जो म्यूजियम है वो डेटाबेस में ऐड होना चाहिए, सही है। अब हमने करना क्या है, अब हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है ना, तो यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है म्यूजियम का, सही है। अब ये देखें टाइटल है ना, तो टाइटल का जो टेक्स्ट फील्ड चेंज होगा तो वो कहाँ पे आना चाहिए, इसको मैं असाइन करता हूँ म्यूजियम डॉट टाइटल, ये यहाँ पर टाइटल की वैल्यू आएगी, सही है। जब कोई टाइटल की वैल्यू एंटर करता है तो वो म्यूजियम डॉट टाइटल में आएगा, सही है। यहाँ पे वैलिडेशन है तो वैलिडेशन फिलहाल मैं हटा देता हूँ यहाँ से, वैलिडेशन फिलहाल हम नहीं करते हैं। एड्रेस है तो एड्रेस में हम यहाँ पे एड्रेस का फील्ड डाल देते हैं म्यूजियम डॉट एड्रेस एंड यहाँ पे हम ये वैल्यू एड कर देते हैं एंड देन ये वैलिडेशन भी हम हटा देते हैं क्योंकि वैलिडेशन की फिलहाल यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है एंड अगेन इमेज यू आर एल है तो ये इमेज यू आर एल है इसको हम यहाँ से हटाकर म्यूजियम डॉट इमेज यू आर एल एंड वैल्यू, सही है। सो यहाँ तक हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा, सही है। अच्छा जब यहाँ पे कोई वैल्यू एड करते हैं, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमने करना क्या है, यहाँ पर डेटाबेस सर्विसेज में एक फंक्शन बना लेंगे, इसको हम करते हैं एड म्यूजियम, सही है। और इसको हम क्या पास करेंगे, इसको हम म्यूजियम का एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, सही, म्यूजियम का ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा जब म्यूजियम का ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाए तो यहां से उस ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे पुश करना है, उसको हमने फायर स्टोर पे अपलोड करना है, सही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वही फायरबेस का जो रेफरेंस है वो यूज करेंगे, कलेक्शन आप यहाँ पे कलेक्शन का नाम दे दें, म्यूजियम में हमने ऐड करना है उसको म्यूजियम डॉट एड, तो एड में आप लोग देख लें, अब एड में हमने यहाँ पे क्या ऐड करना है, यहाँ पर हमने की वैल्यू पेयर ऐड करना है, ये देखें इसको क्या चाहिए, इसको एक मैप चाहिए, सही है, की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में, सही है। ये अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको एक मैप चाहिए स्ट्रिंग, मतलब इसको एक जेसन ऑब्जेक्ट चाहिए, सही है। जेसन ऑब्जेक्ट किस फॉर्मेट में होगा, ये देखें इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ये देखें ये हमारे पास एक जेसन का ऑब्जेक्ट है, ये कह रहा है कि मुझे आप इस फॉर्मेट में वैल्यू दें कि मतलब उसका टाइटल हो, सही है, और यहाँ पर उसकी वैल्यू हो, सही है। एंड देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या हो, टाइटल हो उसकी वैल्यू, क्योंकि म्यूजियम है ना, तो म्यूजियम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, असल में इसको हमने एक जेसन का ऑब्जेक्ट पास करना है जिसमें ये तीनों फील्ड हो, सॉरी म्यूजियम्स है ना, तो इसको हमने जेसन का एक ऑब्जेक्ट पास करना है जिसमें ये तीनों फील्ड हो, टाइटल हो, इमेज यू आर एल हो एंड एड्रेस हो, सही है। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको यहाँ पर इस तरह करें, सही है, टाइटल है ना एंड दिस सॉरी म्यूजियम डॉट टाइटल, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, सही है। एंड टाइटल हो गया है, इसके बाद एड्रेस है एंड दिस सॉरी दिस नहीं ओके म्यूजियम डॉट एड्रेस एंड थर्ड पेपर क्या है, एड्रेस भी हो गया है, म्यूजियम भी हो गया, इमेज यू आर एल है, इमेज यू आर एल एंड म्यूजियम डॉट इमेज यू आर एल, ये देखें सही है। तो हमारे पास ये देखें ये जेसन का ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ये जेसन का ऑब्जेक्ट पास करना है, सही, सेव करते हैं। अच्छा
अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज लेता है, लेट सपोज मैं करता हूँ बन्नू म्यूजियम, एड्रेस कर देते हैं ये रोड बन्नू, सही है, और इमेज यू आर एल को हम उसे ऐसे ही एम्प्टी जोड़ देते हैं, सही है। इसको मैं ऐड करता हूँ, जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास डाटा आया होगा, सॉरी यहाँ पर फॉर टाइमिंग डेटा नहीं आएगा, ऐड म्यूजियम का जो फंक्शन है एक्चुअली हमने यहाँ से कॉल नहीं किया, सही है। तो ऐड म्यूजियम का स्क्रीन था ये, देखा हमने यहाँ से कॉल नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, जो तो डेटाबेस सर्विसेज है ना, डेटाबेस सर्विसेज, और उसके अंदर कौन सा फंक्शन हमने कॉल करना है, ये ऑब्जेक्ट है इसको, डेटाबेस सर्विस डॉट एड म्यूजियम था ना, और उसको हमने म्यूजियम पास करना है। तो म्यूजियम हम इसको कौन से वाला पास करेंगे, यहाँ पर हमने जो एक हमारे पास म्यूजियम का जो ऑब्जेक्ट है ये म्यूजियम, क्योंकि इसमें हमने सारी वैल्यूज ऐड कर दी हैं। तो डेटाबेस सर्विसेज डॉट एड म्यूजियम हो गया है, सेव करते हैं इसको, सही है। तो अब हमने इसको सेव कर दिया, अब इसको प्रेस करेंगे ना तो अब ये कुछ डेटा यहाँ पे सेंड कर देगा, ये देखें यहाँ पर मैंने कौन सा ऐड किया है, बनो म्यूजियम है ना, ये देखें इसने यहाँ पे ये देखें बनो म्यूजियम यहाँ पे आ गया है हमारे पास, सही है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, सही है। और जब बैक आते हैं ये देखें अभी यहाँ पर हमारे पास नहीं आया, इस स्क्रीन को दोबारा से रीलोड करते हैं, ये देखें हरिपुर म्यूजियम, बनो म्यूजियम, एबटाबाद म्यूजियम एंड पिशावर म्यूजियम, दोबारा आते हैं यहाँ पर एक और म्यूजियम ऐड करते हैं मानसेहरा म्यूजियम, सही है। इसको आप और भी बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, सही है। अब इसमें एक चीज है उसको आप लोगों ने देखना है, जेल रोड मानसेहरा, एंड उसको मल्टी जोड़ते हैं ऐड, जब हमने ऐड करेंगे ना ये देखें जैसे जैसे हमने ऐड पे क्लिक किया ये एक नया म्यूजियम उसने यहाँ पे ऐड कर दिया है। एक मिनट देखता हूँ कहाँ पे है, कौन से वाला है, ये देखें जेल रोड मानसेरा, सही है, इसने मानसेरा में एक ऐड कर दिया है, जेल मानसेरा में एक म्यूजियम इसने ऐड कर दिया है। हम जब बैक आते हैं इस सीन को दोबारा से रीलोड करेंगे ना, ये देखें हरिपुर म्यूजियम, बनू म्यूजियम, एबटाबाद म्यूजियम, शावर म्यूजियम एंड मानसेरा म्यूजियम इसने ऐड कर दिया है। सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट, बट इसमें एक चीज और है जिसको हमने ऑप्टिमाइज करना है। अब ये देखें ये मैं बार बार जो है ना यहाँ पर इस तरह नहीं लिख सकता, इसमें गलती के चांसेस भी बहुत होता है, सही है। इसको इस तरह करने की बजाय मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो म्यूजियम का जो ऑब्जेक्ट है ना इसमें मैं एक फंक्शन बनाता हूँ टू जेसॉन का, सही है। वो सिंपली क्या करेगा, मुझे रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट उस फॉर्मेट में जो ये देखें ये जस्ट क्या करेगा, ये जो करंट ऑब्जेक्ट है ना उससे एक जेसॉन फॉर्मेट में जेसॉन फॉर्मेट बना के और मुझे रिटर्न करेगा, सही है। तो मैं जैसे अब यहाँ पे क्या करूंगा, ये पूरा वो पढ़ पढ़ा लिखने के बजाय ना ये क्या हो जाएगा, म्यूजियम जो है ना मेरे पास आया हुआ है ना उसको मैं टू जेसॉन कर दूंगा, ये शॉर्टकट, और ये बेहतरीन तरीका भी है क्योंकि आप इसको एक बार यहाँ पे कर देते हैं ना, अगर आपने मल्टीपल मल्टीपल जगहों पर इसको यूज भी करना है ना तो बार बार ये जो जेसॉन फॉर्मेट है वो बनाने की जरूरत नहीं होती। आप जस्ट क्या करते हैं ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट टू जेसॉन करके आपका वो ऑटोमेटिकली जेसॉन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको टेस्ट करते हैं कि दोबारा एक बार और टेस्ट करते हैं कि इसमें एड होता है या नहीं होता, इसको मैं कर देता हूँ चले इसको हम कर देते हैं नौशहरा, नौशहरा म्यूजियम, अगर किसी किसी चीज पे रह गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ मेरे सारे नाम नहीं है। एंड एड्रेस करते हैं जेल रोड नौ शहर,
तो अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास फिलहाल डेटा तो नहीं आया नौशेरा का, नौशेरा म्यूजियम का, क्योंकि उसको हमने दोबारा से रीलोड नहीं किया ना। ये आ गया नहीं, ये तो मानसेरा, तो हम बैक जाते हैं, इसको रीलोड करते हैं। ये देखें हरिपुर, मनु, एबटावर, पिशावर, मानसेरा एंड नौशेरा, ये देखें ये सारे आपके पास यहाँ पर आ गए हैं। So this is how you can do it. So that's all about our today's session. I think यहाँ पर जो topics थे तकरीबन तकरीबन सारे मैं discuss कर चुका हूँ। JSON update data management, JSON को हमने object कैसे बनाना है और object से हमने JSON में कैसे convert करने, conversion भी सारी हो गई है। JSON भी आपको I think I hope so कैसे समझ आ गई है। Firebase project हमने create किया, basic points आपको बताती है। And then Firebase configuration, Firebase authentication हमने नहीं किया, ये हम कल करेंगे इंशाल्लाह। And streams and stream builders हैं, इसको भी इंशाल्लाह हम कल discuss करेंगे। So these ये जो बाकी topics रह गए हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये topics इंशाल्लाह हम कल discuss करेंगे, सही है? अब अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे थे ना, यहाँ पर स्क्रीन पे ये देखें इस स्क्रीन पर मैं जब वहां से वैल्यूज ऐड कर रहा था तो यहाँ पे स्क्रीन पे आके मुझे दोबारा से स्क्रीन को रीलोड करना पड़ रहा था, सही है? तो अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन को रीलोड करना ना पड़े और जैसे कि वहां पे डेटाबेस में कोई ऑब्जेक्ट ऐड हो जाए वो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर फिच हो जाए, तो वो भी हम कल करेंगे, सही है? उसको हम स्ट्रीम्स बोलते हैं, उसको स्ट्रीम के थ्रू हम करेंगे। एंड ये चीज जो है ना ओनली पॉसिबल होती है रियल टाइम डेटाबेस में, जो आपको रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर रहा हो। MySQL में पॉसिबल नहीं होता, MySQL में आपको अगर बनाना भी है तो आपको कस्टम बनाना पड़ता है ये सारी चीजें, जबकि रियल टाइम डेटाबेस स्पेशली जो Firebase है वो आपको ये प्रोवाइड करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडे सेशन। आई एम होपफुल सी यू अगेन टुमारो। आई थिंक हमने आज बड़े अच्छे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं और बड़ी अच्छी तरह डिस्कस किए हैं। आई होप सो सारी चीजें भी आपको समझ आ गई हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन मोस्ट वेलकम। ओके सो फॉर ईच पे नहीं समझा यहाँ, सही है? तो आपको मैं दोबारा से रिपीट कर रहा था कि फॉर ईच क्या मतलब है। ओके सो फॉर ईच की आपको समझ नहीं आई, ये देखें हमारे पास ये एक लिस्ट है ना, डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट आ जाएगी इसमें, उसको हम जस्ट इटरेट कर रहे हैं यहाँ पर। इसकी आपको मैं आई थिंक सिंपल समझा दूं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर ये फॉर ईच का जो इटरेटर है ना ये आप दोबारा से देख लें, सही है? इंट आई स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, आई लेस देन हम क्या कर देते हैं स्नैपशॉट डॉट लॉग्स डॉट लिस्ट डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, सही है? और यहाँ पे फिर मैं क्या करूं, ये डॉक्यूमेंट की वजह मैं यहाँ पे क्या कर ऐड कर दूं स्नैपशॉट डॉट डॉक्स एंड आई, अब ये देखें ये जो मैंने किया हुआ है ना इसको मैंने ट्रेड किया हुआ है, मैंने एक लूप लगाया हुआ है, सही है? एक एक डॉक्यूमेंट उसका उठा के उसको मैं म्यूजियम में कन्वर्ट करता हूँ जेसॉन से, सही है? और उसको फिर मैं म्यूजियम का जो लिस्ट है उसमें ऐड कर देता हूँ। सेम यही काम यहाँ पे हो रहा है लेकिन ये एक शॉर्टकट है, सही है? म्यूजियम्स ये एक शॉर्टकट है। तो डॉक्स ये असल में हमने जो लिस्ट उस दिन मैंने डिस्कस किए थे ना, अगर आपको अभी याद नहीं है तो आप जाके वो जो यहाँ पर हमने लिस्ट डिस्कस किए थे ना, लिस्ट के जो इटरेटर्स थे और जो दूसरे फंक्शन थे, अब उसको दोबारा से रिपीट करें जरा तो आपको इस चीज की समझ आ जाएगी। आई होप सो इट्स क्लियर नाउ। Okay, so these things are clear. See you again. That's enough for today and see you again tomorrow, inshallah. Thank you.